ये क्षेत्र अनंतनाग जिले का पहलगाँव का आरू घाटी का गांव है और यहाँ देख रहे हैं आप किस गांव के लोग मुझसे मिले, उन्होंने यहाँ के विकास के लिए मुझसे चर्चा की। यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए ताकि देशी विदेशी पर्यटक और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। ये यहाँ अमन चैन शांति खुशहाली का प्रतीक है। जब देश के अंदर में कह सकते हैं कि अब कश्मीर घाटी के अंदर यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता है, यहाँ के नौजवानों के हाथ में कला है, यहाँ के शिल्पकार, यहाँ के हस्तकला, यहाँ के बेहतरीन तरीके से कारपेट हो चाहे कश्मीना शाल हो, दुनिया के अंदर उसका एक बड़ा बाजार है। इसलिए एक अमन चैन शांति का वातावरण यहाँ पर बना है। और मैं आज पहलगाँव में गया था तो मैंने देखा कि 60,000 से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जुलाई के एक महीने के अंदर। इतनी बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों का आना इस इलाके की समृद्धि खुशहाली का प्रतीक है और गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ और टूरिस्ट आए ताकि हमें रोज़गार मिले। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग घुड़सवारी कर रहे थे। मैंने एक घुड़ चालक से पूछा, मैंने कहा क्या हालात है? उन्होंने कहा साहब कोई ज़माना था कि हमें रोज़गार नहीं मिलता था, हमें घोड़ों को बैठे बैठे खिलाना पड़ता था। आज स्थिति यह है कि हमारे पास बड़ी संख्या के अंदर पर्यटक आते हैं और हमारे पास सवारी की लिए भी लाइनें लगती है। ये खुशहाली और समृद्धि का ही प्रतीक नज़र आता है यहाँ पर।